ओम श्री परमात्मने नमः। दूसरा अध्याय। संजय बोले कि पूर्वोक्त प्रकार से करुणा करके व्याप्त और आंसुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले शोक युक्त उस अर्जुन के प्रति भगवान मधुसूदन ने यह वचन कहा। हे अर्जुन, तुमको इस विषम स्थल में यह अज्ञान किस हेतु से प्राप्त हुआ? क्योंकि यह न तो श्रेष्ठ पुरुषों से आचरण किया गया है, न स्वर्ग को देने वाला है, न कीर्ति को करने वाला है। इसलिए हे अर्जुन, नपुंसकता को मत प्राप्त हो, यह तेरे योग्य नहीं है। हे परंतप, तुझ हृदय की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, मैं रणभूमि में भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य के प्रति किस प्रकार वानों से युद्ध करूंगा? क्योंकि हे अरिसूदन, वे दोनों ही पूजनीय हैं, इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर इस लोक में भिक्षा का अन्न भी भोगना कल्याणकारक समझता हूँ। क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुधिर से सने हुए अर्थ और काम रूप भोगों को ही तो भोगूंगा, और हम लोग यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या करना श्रेष्ठ है, अथवा यह भी नहीं जानते कि हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे। और जिनको मारकर हम जीना भी नहीं चाहते, वे ही धृतराष्ट्र के पुत्र हमारे सामने खड़े हैं। इसलिए कायरता रूप दोष करके उपहत हुए स्वभाव वाले और धर्म के विषय में मोहित चित हुआ मैं आपसे पूछता हूँ, जो कुछ निश्चय किया हुआ कल्याणकारक साधन हो वह मेरे लिए कहिए। क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ, इसलिए आपके शरण हुए मुझे शिक्षा दीजिए। क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य संपन्न राज्य को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो कि मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। संजय बोले, हे राजन, निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूंगा ऐसे स्पष्ट कहकर चुप हो गए। उसके उपरांत हे भरतवंशी धृतराष्ट्र, अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज ने दोनों सेनाओं के बीच में उस शोक युक्त अर्जुन को हंसते हुए से ये वचन कहे। हे अर्जुन, तू ना शोक करने योग्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के से वचन को कहता है, परंतु पंडित जन जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी शोक नहीं करते हैं। क्योंकि आत्मा नित्य है, इसलिए शोक करना अयुक्त है। वास्तव में न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, अथवा तू नहीं था, अथवा ये राजा लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे। किंतु जैसे जीवात्मा की इस देह में कुमार युवा और वृद्ध अवस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है। उस विषय में धीर पुरुष नहीं मोहित होता है। अर्थात जैसे कुमार युवा और जरा अवस्था रूप स्थूल शरीर का विकार अज्ञान से आत्मा में भासता है, वैसे ही एक शरीर से दूसरे शरीर को प्राप्त होना रूप सूक्ष्म शरीर का विकार भी अज्ञान से ही आत्मा में भासता है। इसलिए तत्व को जानने वाला धीर पुरुष इस विषय में नहीं मोहित होता है। हे कुंती पुत्र, सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विषयों के संयोग तो क्षण भंगुर और अनित्य हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, उनको तू सहन कर। क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों के विषय व्याकुल नहीं कर सकते, वह मोक्ष के लिए योग्य होता है। और हे अर्जुन, असत्य वस्तु का तो अस्तित्व नहीं है और सत्य का अभाव नहीं है, इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व ज्ञानी पुरुषों द्वारा देखा गया है। इस न्याय के अनुसार नाश रहित तो उसको जान कि जिससे यह संपूर्ण जगत व्याप्त है, क्योंकि इस अविनाशी का विनाश करने को कोई भी समर्थ नहीं है। और इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं। इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन, तो युद्ध कर,
जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, वे दोनों ही नहीं जानते हैं, क्योंकि यह आत्मा ना मारता है और ना मारा जाता है। यह आत्मा किसी काल में भी ना जन्मता है और ना मरता है, अथवा न यह आत्मा होकर के फिर होने वाला है, क्योंकि यह अजन्मा, नित्य, शाश्वत और पुरातन है। शरीर के नाश होने पर भी यह नाश नहीं होता है। हे पृथा पुत्र अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा और अव्यय जानता है, वह पुरुष कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है? और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूँ, तो यह भी उचित नहीं है, क्योंकि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्रों को ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे नए शरीरों को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, इस आत्मा को शस्त्रादि नहीं काट सकते हैं, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल गीला नहीं कर सकते हैं और वायु नहीं सुखा सकता है, क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है, यह आत्मा अदाह्य, अक्लेग्य और अशोष्य है, तथा यह आत्मा निस्संदेह, नित्य, सर्वव्यापक, अचल, स्थिर रहने वाला और सनातन है। यह आत्मा अव्यक्त अर्थात इंद्रियों का अविषय है, और यह आत्मा अचिंत्य अर्थात मन का अविषय, और यह आत्मा विकार रहित अर्थात न बदलने वाला कहा गया है। इससे हे अर्जुन, इस आत्मा को ऐसा जानकर तू शोक करने योग्य नहीं है, अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है। यदि तू इसको सदा जन्मने और सदा मरने वाला माने, तो भी हे अर्जुन, इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है, क्योंकि ऐसा होने से तो जन्मने वाले की निश्चित मृत्यु और मरने वाले का निश्चित जन्म होना सिद्ध हुआ। इससे भी तू इस बिना उपाय वाले विषय में शोक करने को योग्य नहीं है। यह भीष्मादिकों के शरीर माया में होने से अनित्य है, इससे शरीरों के लिए भी शोक करना उचित नहीं, क्योंकि हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले बिना शरीर वाले और मरने के बाद भी बिना शरीर वाले ही हैं। केवल बीच में ही शरीर वाले प्रतीत होते हैं, फिर उस विषय में क्या चिंता है। हे अर्जुन, यह आत्म तत्व बड़ा गहन है, इसलिए कोई महापुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो देखता है और दूसरा कोई ही इस आत्मा को आश्चर्य की जो सुनता है, और कोई कोई सुनकर भी इस आत्मा को नहीं जानता। हे अर्जुन, यह आत्मा सबके शरीर में सदा ही अवध्य है, इसलिए संपूर्ण भूत प्राणियों के लिए तू शोक करने को योग्य नहीं है, और अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने को योग्य नहीं है, क्योंकि धर्म युक्त युद्ध से बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारक कर्तव्य क्षत्रिय के लिए नहीं है। हे पार्थ, अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान क्षत्रिय लोग ही पाते हैं, और यदि तू इस धर्म युक्त संग्राम को नहीं करेगा, तो स्वधर्म को और कीर्ति को खोकर पाप को प्राप्त होगा, और सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब कीर्ति को भी कथन करेंगे, और वह अब कीर्ति मान्य पुरुष के लिए मरण से भी अधिक बुरी होती है, और जिनके तू बहुत मान्य होकर भी अब तुच्छता को प्राप्त होगा, वे महारथी लोग तुझे भय के कारण युद्ध से उपराम हुआ मानेंगे, और तेरे वैरी लोग तेरे सामर्थ्य की निंदा करते हुए बहुत से न कहने योग्य वचनों को कहेंगे, फिर उससे अधिक दुख क्या होगा।